अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सब अजीज़ बहन और भाइयों को। वेलकम टू द माय सेकंड डे ऑफ व्लॉग इन कश्मीर। आज हमारा यहाँ पे दूसरा दिन है और मैं चावल लग रहा हूँ। इसमें किसी मांगी थी लेकिन चावल ही लग रहा हूँ। हमारे यहाँ पे सेकंड डे कश्मीर में और हम कोशिश कर रहे हैं आज के दिन भी कि कुछ ना कुछ एडवेंचरस हो। सुबह सुबह 5 बजे इन लोगों ने हम लोगों को उठा दिया और के जी जाना है और निकल के आए हैं। उधर सबसे पहले मैं ही उठाऊँ भाई, क्योंकि जहरी बात है यार, सीन वगैरह कैप्चर करने होते हैं, हर चीज़ करनी होती है तो उठना तो पड़ता ही है ना फिर बीच में। और आप सबकी सुबह कैसे जा रही है? सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे? तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा व्लॉग। इस टाइम पे सारे अपने अपनी जगहों पे बैठने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम पूछेंगे ये चीज़ किससे पूछें हम लोग कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये बाइक को देखो। हम लोग इस टाइम जा रहे हैं शारदा, वहाँ से केल जाएंगे, फिर केल से हाइकिंग करके अरंग केल जाएंगे। आई होप सो कि आ जाएं आप भी हमारे साथ। चलो पीछे न रह जाए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से बैठे गाड़ी में, और गाड़ी में मेरे साथ था गफूर, रहीम और रेहान, और एक दूसरे का मजाक करते हुए और एक दूसरे को हम लोग सब लोग विक्ट्री के साइन दिखाते हुए। एक टाइम ऐसा पॉइंट आया कि हम लोग को वहाँ पे अपने बैक कैमरे ऑन करने पड़े और व्यू कैप्चर करना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि इतना खूबसूरत मंजर था यहाँ का। जैसे जैसे हम आगे जाते गए, तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो एक और खूबसूरत मंजर ने हमें फिर से अपनी तरफ माइल किया। जैसे फिर हम और आगे गए तो हम सारे लौंडों को बर्फ़ देख के उन्होंने छत पे चढ़ा दिया, और सारे लौंडे हुटिंग करते हुए, शुगर लगाते हुए, एक दूसरे को जुकते मारते हुए आगे जा रहे थे, और बहुत मज़ा आया था हम लोग को। 2.5 घंटे हम लोग हाई रूफ की छत पे बैठे रहे। जैसे हम थोड़ा सा आगे गए तो रास्ता थोड़ा सा टफ़ वगैरह हो गया, और टफ़ होने की वजह से हम लोगों को ये नुकसान वहाँ पे हुआ कि हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे फंस गईं, जिसकी वजह से हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को बैक रिवर्स किया और फिर हम यहाँ से निकले आगे, क्योंकि मोड़ इतना गंदा था और मंज़र इतना खूबसूरत था कि हमें कुछ फील ही नहीं हुआ। लेकिन जब भी यहाँ से गाड़ी मुड़ी तो गाड़ी के 2 टायर हवा में हुए और हमारे जो उनसे नीचे से गले तक पहुँचे, तो आए हाय 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 हाय, क्या बताऊँ मैं आपको। लेकिन इतना मज़ा आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये वो शहर है जहाँ पे शारदा, जहाँ पे परिजाद की शूटिंग हुई थी, और मास्टर जी यहाँ पे कहीं पे रहते हैं लेकिन हमें मिले नहीं। हमने बड़ी ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन हमें वो मिले नहीं यार, पता नहीं कहाँ पे छुपे बैठे हुए थे, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मिलेंगे ज़रूर उनसे, हम देखते हैं। अब इस टाइम पे हम लोग शारदा पुल की साइड पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे है शारदा। हम लोगों को कोई 2.5 घंटे हम लोग बस की छत पे बैठे रहे हैं और फिर जाके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं शारदा विलेज, बहुत ही खूबसूरत तरीन इलाका है, मस्ट विजिट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान एज वेल। और परीजाद की शूटिंग भी यहीं पे हुई है, और मेरी बेगम मुझे बता रही है कि परीजाद की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। मास्टर जी का घर भी इधर ऊपर कहीं पे ही है, लेकिन किधर करके है वो नहीं मुझे पता। बाकी यार आओ ज़रूर यार, फैमिली के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, निकला करो यार घर से बाहर। शादी होगी उसके बाद कुछ नहीं मिलना, उसके बाद तपोगे सारे कि यार क्यों, आखिर क्यों। आप भी शादी करके आ रहे हैं। अरण केल आपने अगर जाना हो भाई तो पहले ये चीज़ देख के जाओ कि रास्ते साफ है कि नहीं है, ये ना हो कि आप फंस जाओ वहाँ पे जाके और फिर लगे रहे आपके भी वहाँ पे हमारी तरह, जिस तरह हमारे लगे हुए हैं। तो इस चीज़ का ना आप लोग ख़ास ख्याल रखें। रास्ता तो बहुत ही टाडो है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या सीन पर चलते हैं। और अभी हम लोग अरंग केल पहुँचे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। कम से कम कोई 1.5 घंटे का रास्ता यहाँ से ऊपर जाने का। ओह वो वहाँ ऊपर तक जाना हम लोगों ने। बहुत खलकत आ रही पीछे हमारे, मज़ा भी आ रहा है यार साथ साथ। तो तिलकने का भी मज़ा आएगा, फिसलने का भी मज़ा आएगा, अपना। बाकी मिलते हैं आपको ऊपर। बड़ी देर से चल रहे हैं व्यू भी यार बहुत अच्छा है यार, पीछे का व्यू अगर अच्छा सारी व्यू की यार, व्यू बहुत मजे का है। चल रहे हैं हम अपने सहारे, मेरे पैर हो गए हैं इस वक्त ठंडे, मैंने घर जाना, मुझे अपने घर जाना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। बहुत अच्छा सीन है यार। ट्रैक करते हुए यार हालत बुरी हो रही है, लेकिन फुल टाइम पे जा रहे हैं, फुल टाइम पे चलते जा रहे हैं। अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे यहाँ से। चलो जी, यहाँ से हमारा ट्रैक होता है शुरू, जो ऑलमोस्ट यहाँ से कोई 1-1.5 घंटे का है, जंगलों के बीच में जाते हुए। हम लोग 2 बारी में गिरा हूँ, फिर मुझे यहाँ के लोकल्स ने सॉक्स में नहीं है कि भाई ये पहन के चढ़ो ऊपर और हाथ में डंडा पकड़ो तो फिर ही ऊपर जा सकते हो। फुल माहौल है भाई, फुल माहौल है, फुल। ये हमारे साथ अनक वाला अभी आ रहा पीछे से। अस्सलाम वालेकुम यार, बहुत मुश्किल हाइकिंग है यार। 1.5 आवर लगेंगे हम लोगों को, 1 घंटा 30 मिनट ऐसे ही है। पाँव से उसको नीचे रखना। ओह, ये डेप्थ है इसकी, ये डेप्थ है पूरी, ये डेप्थ है। वो हल्का ला कोई है बंदा। ओह कमाल। ये हम लोग पहुंच चुके हैं एरंग गेल के टॉप पे। अच्छा, बेसिकली टॉप वो है ऊपर वाला, लेकिन हम इसके मेन पार्क थीम वाली साइड पे पहुंच चुके हुए हैं। आगे पूरा का पूरा एक ग्रुप आया हुआ है, जो सा स्केटिंग चैलेंज हो रहा है। आगे थोड़ा सा अगर उसको कवर करें हम लोग तो बहुत खूबसूरत तरीन आगे मंजर हैं सारे इनके। LCM in Arang Gale। आगे पूरा कंपटीशन हो रहा है। और बहुत ही माशाल्लाह प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। लो जी सज्जनों ते मित्रों ते बेलियो, ए जी इन्हां दा सब तो सोना व्यू, बहुत ही आला, बहुत ही क्लासी और बहुत ज्यादा और इंतहाई खूबसूरत। आ जाओ आगे चलिए थोड़ा जा। टॉप पे तो हम लोग गलती से आ गए हैं, लेकिन नीचे जाने का कोई पता नहीं है कि नीचे हम लोग कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते हैं, जा भी पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। उसके लिए हम लोग जिस गाइडर के साथ आए थे वही गाइडर हमें नीचे लेके जाएगा साथ अपने। ये मेरे पीछे का व्यू यार, लेवल है यार, लेवल व्यू है। उफ, स्नोफॉल नहीं हो रही, चांस था कि हो जाए लेकिन हो नहीं रही। यहाँ पे अरंग गेल से हम लोग वापस आए हैं, एंड हो गई है। थकावट की, टांगों की तो चांपे बन गई पूरी की पूरी, लेकिन मज़ा बहुत आया, बहुत एंड लेवल मज़ा आया। कहते हैं अल्लाह पाक ने ऐसी खूबसूरती बनाई हुई है, ऐसी खूबसूरती बनाई हुई है कि जितना देखो उतना कम है इसके लिए। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शाम का मौसम है ये, और क्या खूबसूरत नज़ारा है ये सारा का सारा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मिलते हैं आपसे रात को बॉनफायर के ऊपर, क्योंकि ट्रिप वालों ने बॉनफायर का भी अरेंज किया हुआ है। तो बॉनफायर के ऊपर देखते हैं आखिरी शुगल क्या लगेगा, और कल इंशाल्लाह ताला हमारा वापसी का ट्रैवल होगा। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि हम आगे का क्या ट्रिप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग करन खेल से वापस आ गए। यार थका देने वाला सफ़र था, और एक्सट्रीम लेवल पे जाके इतनी थकन हुई हम लोगों को, पाँव तो रह गए बिल्कुल ही, लेकिन फिर भी सो फार सो गुड। अभी हम लोग दोबारा होटल वगैरह आए हैं, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, और खाने की तैयारी चल रही है। खाने में आज है बारबेक्यू वगैरह, तो बारबेक्यू देखो क्या किस लेवल का होता है इनका, क्या नहीं होता वो बाद में पता लगेगा। कोई आइडिया नहीं है टेस्ट वगैरह का कि टेस्ट इनका कैसा होगा, वो खाने के बाद ही रिव्यू आ सकता है उसका कि कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। लेकिन टांगे इस टाइम पे सुरमुर टुर हो रही हैं, ओए होए होए होए, बता नहीं सकता अभी मैं आपको। ठंड का माहौल नॉर्मल सा है, क्योंकि नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। मैंने क्योंकि खाली एक शर्ट पहनी है और ऊपर एक जैकेट पहनी भी है, तो ठंड तो इतनी नहीं है। लेकिन इसके बाद खाने के बाद जब बॉनफायर होगा तो वो सीन क्लासिकल होगा, क्योंकि उसमें मेरी एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। यार केक वगैरह लाने की बहुत कोशिश की, यहाँ से मिठाई वगैरह देखने की बहुत कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोगों को ना मिल नहीं सका यार, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पंजाब या सिंध वाली साइड पे होती हैं। क्योंकि कश्मीर का इलाका ही है, तो कश्मीर में यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा होता। तो इसके बाद डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं फिर बॉनफायर के ऊपर ही, तब तक के लिए सीन ऑन है। बहुत सर तुसी भी लाल वाले, और नहीं क्या ठीक है, तुम जितनी बब्बू खिलाती हो और अभी आ जाइए। हैप्पी एनिवर्सरी ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सवाल है, पूछ लूं? पूछो भाई। अच्छा आपकी लव है या अरेंज है? दोनों दोनों। पहले लव हुआ फिर अरेंज हुई। पहले लव हुआ ना, पूछो पूछो रह की गई है। बहुत अच्छा सवाल है। इनके सवाल का जवाब ये है कि अभी बहुत कुछ रह गया, पूरी जिंदगी रह गई है। आप इनके नाम कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे? इनके नाम जिंदगी डेडिकेट कर दी, और क्या करूँ डेडिकेट में। इनका लगा किसके पास है? तो ये थोड़ी सी सेलिब्रेशन थी जो मेरी यहाँ पे हुई है, और होपफुली हम लोग कल वापस चले जाएंगे। टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ द व्लॉग एज वेल ऑफ माय एनिवर्सरी। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात हुई है सुबह 5-6 बजे के करीब। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, घर वालों को प्यार करें और खुशी से रहें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।